नमस्कार, जोहार, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है जितेंद्र और आप देख रहे हैं जेडी मीडिया। चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को जो कि सुबह की मॉर्निंग समाचार के साथ आ रही हैं। आज की पहली और बड़ी खबर, रांची सहित देशभर के 25 हवाई अड्डों को लीज पर तैरने की तैयारी। केंद्र सरकार की यही है मंशा, जैसे कि देश के प्रमुख शहरों के हवाई अड्डों के संचालन का काम निजी क्षेत्र की कंपनियां कर रही हैं। अब राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन के तहत देश के अन्य 25 शहरों के हवाई अड्डों को 2022 से 2025 के दौरान लीज पर देने के लिए चुना गया है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अनुसार पटना, रांची, भुवनेश्वर, वाराणसी, अमृतसर, त्रिची, इंदौर, रायपुर, कालीकट, कोयटपुर, नागपुर, मुदेरू, सूरत, जोधपुर, चेन्नई, विजयवाड़ा, वडोदरा, भोपाल, तिरुपति, हुबली, इम्फाल, अगरतला, उदयपुर, देहरादून और राजमुंद्री को लीज पर देने के लिए चुना गया है। वहीं अगली बड़ी खबर है, सीएम हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्यपाल से मिलेगा सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल, करेगा ये सभी मांगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के सभी दलों के सीनियर नेता और निर्दलीय विधायकों को पत्र लिखा है। इसके माध्यम से झारखंड में पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण विधेयक 2022 एवं झारखंड स्थानीय विधियों व्यक्तियों की परिभाषा और परिणामी सामाजिक सांस्कृतिक और अन्य लाभों को ऐसे स्थानीय व्यक्तियों तक विस्तारित करने के लिए विधेयक 2022 को कार्यवाही के लिए केंद्र सरकार को भेजने का अनुरोध करने के लिए राज्यपाल रमेश बैस ने मिलने के लिए प्रतिनिधिमंडल में शामिल होने का आग्रह किया है, ताकि इन विधेयकों को शीघ्र कानून का रूप मिल सके। हजारीबाग के बड़का गांव कस्तूरबा गांधी गर्ल्स स्कूल में पढ़ाई फिर से शुरू। मजलै के हजारीबाग जिला अंतर्गत बड़का गांव प्रखंड स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय के हॉस्टल में एक छात्रा का शव मिलने के दूसरे दिन यानी 19 दिसंबर से विद्यालय में पठन पाठन फिर से शुरू हो गया है। प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी जवाहर प्रसाद मिश्र विद्यालय में पहुंचकर वस्तु स्थिति जायजा लिया। प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी जवाहर प्रसाद एवं नए प्रभारी वार्डन निधि रानी क्लास का निरीक्षण किया। इस दौरान प्रखंड जिला प्रसार पदाधिकारी श्री प्रसाद ने छात्राओं को सकारात्मक तरीके से समझाते हुए कहा कि डरने की जरूरत नहीं है। क्लास से निकलने के बाद वार्डन निशी रानी ने मृतिका के पिता द्वारा लगाए गए आरोप को सीधे से खारिज किया। कहा कि छात्रा के न तो कोई दुष्कर्म हुआ और न ही हत्या की गई। बता दें कि मृतिका के पिता ने बेटी के साथ दुष्कर्म कर हत्या करके फांसी का रूप देने का आरोप लगाया था। तो वहीं अगली बड़ी खबर क्या रही है, साहिबगंज मर्डर केस में आदिवासी संगठन ने दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की है। साहिबगंज के बोरियों में रेबिका पाठिन की हत्या और शव को कई टुकड़ों में काटने की नृशंस कृत्य को केंद्रीय शरणार्थी समिति एवं अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद ने कड़ी निंदा की है। केंद्र सरकार समिति के केंद्रीय अध्यक्ष फूलचंद तिर्की ने कहा कि आदिवासी युवतियों से लव जिहाद कर हत्या की जा रही है एवं जोर जबरदस्ती कर धर्मांतरण कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस राज्य में अपराधी बेलगाम हो गए हैं, उन्हें कारण का डर नहीं रहा। उन्होंने सरकार से अपराधी को फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से त्वरित कार्रवाई करने और फांसी सजा दिलाने की मांग की है। कहा कि केंद्रीय सरकार शरणार्थी समिति जल्द ही आंदोलन की रणनीति तैयार कर रही है। मौके पर केंद्रीय शरणार्थी समिति के संरक्षक भुवनेश्वर लोहरा, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के अध्यक्ष नारायण लंगड़ा, पंचम तिर्की, बेना उड़ा, बाना मुंडा एवं अन्य लोग शामिल थे। वहीं अगली बड़ी खबर, रांची के बड़ा तालाब में कार गिरी, बाल बाल बचे महिला सहित तीन लोग। राजधानी के बड़ा तालाब में एक कार अचानक अनियंत्रित होकर गिर गई है। इस हादसे से महिला, 2 साल की बच्ची समेत 3 लोग बाल बाल बचे हैं। बताया गया कि बड़ा तालाब में कार के गिरते ही वहां से गुजर रहे युवकों ने तालाब में घुसकर कार से 3 लोगों को सकुशल बाहर निकाला। इस दौरान काफ़ी भीड़ भी बढ़ गई। इतना ही नहीं, उसमें से एक युवक ने 3 को अपनी कार से उनके घर तक छोड़ा। विधानसभा में रणधीर सिंह को किया गया मार्शल आउट, हंगामेदार रहा विधानसभा का सत्र का पहला दिन। नजर विधानसभा का शीतकालीन सत्र खूब हंगामेदार रहा, इसकी वजह से बने साहिबगंज की घटना। सत्र के पहले दिन 100 प्रस्ताव का आयोजन किया गया था। इस दौरान साहिबगंज में मारी गई जनजातीय युवती का नाम उस सूची में शामिल नहीं होने पर बीजेपी की विधानसभा के अंदर जोरदार हंगामा किया गया। बीजेपी से सारण विधायक रणधीर कुमार सिंह ने बेंच के ऊपर खड़े होकर हंगामा शुरू कर दिया। इसके बाद सारण विधायक को मार्शल आउट किया गया। सदन से बाहर आकर सारण विधायक रणधीर सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सदन में मैंने साहिबगंज में हुई लड़की की मौत का मुद्दा उठाया था। तो वहीं अगली बड़ी खबर क्या है, दुर्व्यवहार के लिए बीजेपी का अंचल कार्यालय घेरा, रांची के नामकुम सीईओ बोले दोबारा नहीं होगी ऐसी गलती। रांची के नामकुम अंचलाधिकारी विनोद कुमार प्रजापति द्वारा आरा पंचायत की पंचायत समिति सदस्य अनु तिवारी के साथ शनिवार को किए गए दुर्व्यवहार के विरोध में सोमवार को जनप्रतिनिधियों ने एवं भाजपा कार्यकर्ताओं ने अंचल कार्यालय का घेराव किया और नाराजगी जताई। विरोध को देखते हुए
अंचलाधिकारी मौके पहुंचे और दोबारा ऐसी गलती नहीं होने का भरोसा दिया। तो वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, रांची के दरोगा पर छात्रा ने लगाया दुष्कर्म का आरोप, हुए सस्पेंड। दरअसल रांची के हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करने वाली छात्रा ने दादपुर थाना के दरोगा शशांक कुमार पर फांसी का छासा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। इस संबंध में लालपुर थाना में ही उसके उक्त दरोगा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई। लालपुर पुलिस ने SSP को इस बात की जानकारी दी। इसके बाद SSP किशोर कौशल ने दरोगा शशांक कुमार को सस्पेंड कर दिया है। वहीं अगली बड़ी खबर है, गुंज महोत्सव में 5,000 से अधिक 6 कलाकारों ने नृत्य कर बनाया रिकॉर्ड, राज्यपाल ने दिया संदेश। अजरे के दिल सिल्ली के गुंज महोत्सव के झारखंडी लोक कला और संस्कृति चटा बिखर पड़ी। 5,000 कलाकारों ने पारंपरिक 6 नृत्य की सामूहिक प्रस्तुति, अद्भुत दृश्य का हर कोई भाव विभोर हो गया और 20 मिनट तक 6 नृत्य की प्रस्तुति के बाद साउथ इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज करा लिया। अभी तक रिकॉर्ड के मुताबिक किसी बड़े राजकीय समारोह में सिर्फ 150 6 कलाकारों ने ही एक साथ नृत्य किया है। इधर सिल्ली स्टेडियम में 6 कलाकारों ने मुखौटे पहनकर एक साथ कदम ताल किया। झारखंड के सत्ता के हत्यारे को फांसी, हेमंत सोरेन से कांग्रेस विधायक की मांग, बन्ना ने कही यह बड़ी बातें। बजाय झारखंड सरकार झारखंड में श्रद्धा मर्डर केस से झारखंड की राजनीति में उबाल आ गया है। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन सत्तारूढ़ गठबंधन की विधायक दीपिका पांडे ने कहा कि यह जघन्य मामला है, दोषी को फांसी की सजा होनी चाहिए। महागमा की कांग्रेस विधायक ने कहा कि पहले भी महिलाओं पर अत्याचार के कई मामले सामने आए हैं, उन मामलों में कठोर कार्रवाई हुई हो। आपको बता दें कि जघन्य अभिव्यंस साहित्यगंज की घटना, श्रीमती पांडे ने कहा कि यह जघन्य अभिव्यंस घटना है, इस घटना को अंजाम देने वाले को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए और जल्द से जल्द सजा होनी चाहिए। झारखंड कांग्रेस की नेता दीपिका पांडे ने कहा कि ऐसे आरोपियों को फांसी से सजा होनी चाहिए। वह झारखंड विधानसभा परिषद में पत्रकारों से बात करते हुए इस बातें कहीं। तो वहीं आज सदन में पेश किया जाएगा अनुपूरक बजट। सदन में आज पेश किया जाएगा अनुपूरक बजट। राज्य सरकार चालू वित्तीय वर्ष के लिए मंगलवार को द्वितीय अनुपूरक बजट पेश करेगी। अनुपूरक बजट में केंद्रीय योजनाओं और केंद्र प्रायोजित योजना मत में केंद्र से मिली राशि के खर्च का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा जिन योजनाओं में केंद्र से मिली हिस्सेदारी में कम प्रावधान किया गया है, इसे संबंध संशोधित बजटीय बंद किया गया है। राज्य के द्वितीय अनुपूरक करीब 2,000 करोड़ रुपये होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री ने सभी दलों के विधायकों से मांगा सहयोग, RCM के नेतृत्व में गवर्नर से मिलेंगे विधायक, स्थानीय नीति आरक्षण विधेयक केंद्र को भेजने को कहा करेंगे आग्रह। 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति और ST SC और OBC के आरक्षण में वृद्धि संबंधित विधेयक को केंद्र सरकार को भेजने के लिए हेमंत सोरेन के नेतृत्व में विधायकों का प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को दिन के 3 बजे राज्यपाल रमेश बैस से मिलेगा। मुख्यमंत्री ने इसके लिए सभी विधायकों को पत्र लिखकर प्रतिनिधिमंडल में शामिल होने का आग्रह किया है। CM ने कहा है कि राज्य में पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण विधेयक 2022 एवं झारखंड की स्थानीय नीति से संबंधित विधेयक को आगे की कार्रवाई के लिए भारत सरकार को भेजने का राज्यपाल से अनुरोध किया जाएगा ताकि यह विधेयक कानून का रूप प्राप्त कर सके। तो वहीं एक बड़ी खबर की आई है, रिंग रोड से सब बरामद, ड्यूटी खत्म कर जा रही रानी अस्पताल की महिला गार्ड की हत्या, दुष्कर्म की आशंका। वजह कांके थाना क्षेत्र के पतरातु गांव स्थित सड़क किनारे झाड़ी से पुलिस ने शव को सोमवार को की सुबह एक महिला का शव बरामद किया है। मृतका की पहचान सुखदेवनगर थाना क्षेत्र के विद्यानगर निवासी पूनम देवी उर्फ पूजा के रूप में की गई है। रेडियम रेड रोड के समीप रानी अस्पताल में पूनम सिक्योरिटी गार्ड का काम करती थी। घर से रविवार की सुबह 7 बजे ड्यूटी करने के लिए घर से निकली थी, जिसके बाद वह वापस नहीं लौटी। वहीं अगली बड़ी खबर लेकर के आ रही है, झारखंड के DGP के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा DGP के नामों में त्रुटि दूर कर दे UPSC के जवाब। झारखंड के DGP के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई हुई। शुक्रवार को चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिम्हा की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि पुलिस महानिदेशक यानी DGP के पद पर अधिकारियों के नामों की सिफारिश के प्रस्ताव में त्रुटियों को दूर करने के लिए UPSC को जवाब दे। यह निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने नए DGP की नियुक्ति में हो रही देरी पर संज्ञान लेते हुए जारी किया है। तो वहीं अगली बड़ी खबर जानकारी है, नए साल में BBMQ वह कॉलेजों में से नवीनीत हो जाएंगे 18 शिक्षक। विश्वविद्यालय में UGPG के सहायक प्राध्यापकों के पहले से ही 338 पद रिक्त। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद में एवं इसके धनबाद बोकारो और कॉलेजों से नए साल 2023 की जनवरी से दिसंबर महीने तक
18 शिक्षक शिक्षिकाएँ से नामांकित हो जाएंगी, जबकि पहले से यहाँ स्थानक और स्नातकोत्तर के सहायक प्राध्यापकों के लगभग 338 पद रिक्त हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन ने ऐसे शिक्षक शिक्षिकाओं की सूची जारी की है जिनकी आयु 65 वर्ष पूरी होने वाली है। नवंबर और जुलाई महीने छोड़ दें तो हर महीने कोई ना कोई शिक्षक सेनावित हो जाएंगे। तो फिलहाल ये खबर दोस्तों बस इतना ही, यही थी कुछ आज की सबसे तमाम बड़ी खबर जो कि झारखंड से आज तक मैं मुझे खबर पसंद खबरों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। मैं रोजाना ही आप सबके लिए ऐसी खबरें लेकर के आते रहता हूँ। तो मिलते हैं नए साथ, बने रहें JD मीडिया साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।